गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शिविक का 7 to 8 months का डाइट रूटीन शेयर करूंगी कि वो पूरे दिन में क्या खाता है। तो शिविक सुबह 9 बजे सोकर उठता है और उठते ही मैं उसको मिल्क देती हूँ। काव मिल्क मैंने स्टार्ट किया है, ये मैंने 7.5 months से स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं अपना ही फीड कराती थी सुबह सुबह, देन आई स्टार्टेड दिस काव मिल्क बिकॉज आई फील कि उसका पेट नहीं भरता है सुबह सुबह वो दूध पिलाने, अपना दूध पिलाने से। तो मैंने काव का मिल्क स्टार्ट किया। तो अभी इस टाइम मैं उसे 100 ml काव का मिल्क देती हूँ जो वो आराम से डाइजेस्ट कर लेता है। एंड उसके बाद अराउंड 2 घंटे बाद मैं उसको ब्रेकफास्ट देती हूँ। काव मिल्क के बाद वो एक बार फ्रेश हो आता है, थोड़ी देर खेल लेता है, तो उसके बाद मैं उसको होममेड सेरेलेक खिलाती हूँ जो कि मैंने मूंग की दाल, दलिया, पोहा इन सबको भून कर और पीस कर बनाया है। तो ये उसका एज अ एक ब्रेकफास्ट हो जाता है जो मैं उसको 10-11 बजे नहलाने के बाद देती हूँ। उससे क्या होता है, उसका पेट भर जाता है, तो फिर मैं जब उसको अपना फीड देती हूँ तो वो आराम से 1-2 घंटे सो जाता है। 1-2 घंटे सोकर उठने के बाद लंच में मैं उसको कोई भी आयरन रिच या प्रोटीन रिच डाइट देती हूँ, जैसे कि दाल। मोस्टली मैं उसे दाल ही देती हूँ, पर अगर किसी दिन दाल नहीं बनी है तो मैं स्पेशली उसके लिए दाल नहीं बनाती, तो मैं रागी का हलवा बना देती हूँ या फिर होममेड सेरेलेक खिला देती हूँ। तो कुछ भी एक सॉलिड फूड लंच में मैं उसे ज़रूर देती हूँ जिससे उसका आराम से पेट भर जाए। तो वो लंच करके आराम से फिर थोड़ी देर खेल के वो फिर से थोड़ी देर 1 घंटे के लिए आराम से सो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे का पेट भरा होता है तो वो आराम से सोते हैं और आराम से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े नहीं होते हैं। अगर उनका पेट खाली होगा तो ऑब्वियसली वो चिड़चिड़े होंगे। देन जब वो शाम को सोकर उठता है 4-5 बजे, तो मैं उसे अगेन एक बार और काव मिल्क देती हूँ, सेम क्वांटिटी 100 ml, और पूरा तो नहीं पीता है, थोड़ा सा छोड़ता है वो, ज़्यादा 20 ml जैसे छोड़ दिया तो 80 ml आराम से वो पी लेता है। तो आप अपने बच्चे के डाइट के अकॉर्डिंग उसको दे सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हो, तो देर इज़ नो इशू इन दैट। उसके बाद अराउंड 7 o'clock मैं उसे कोई भी फ्रूट प्यूरी देती हूँ, या तो मैं उसे फूड निबलर पकड़ा देती हूँ, कभी कभी कैरेट उसमें डाल के, अनार के दाने डालकर, या मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं उसे एक बनाना डेली खिला देती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि बनाना क्या होता है, बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत अच्छा होता है एंड ईजी टू डाइजेस्टिव होता है। तो कभी बनाना खिला दिया या फिर कभी एप्पल के पीसेस करके उसके फूड निबलर में डाल के दे दिए या एप्पल प्यूरी बना दिया, तो इस तरह से मैं उसे एक फ्रूट कोई भी शाम के टाइम 7 o'clock के अराउंड दे देती हूँ। उस टाइम उसको भूख भी लगती है। उसी के साथ मैं कभी कभी शिविक को एग वगैरह भी खिलाना शुरू कर दिया है मैंने 8 months से। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि क्या मैं उसे एग खिला सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा बहुत एग, जैसे हाफ एग खिला सकते हो, अंदर का पार्ट नहीं खिलाना है, बाहर का पार्ट जैसे हाफ एग मैं उसे कभी कभी खिला देती हूँ और वो आराम से खाता है, मज़े से, उसे बहुत अच्छा लगता है। देन फॉर द डिनर टाइम अगेन मैं उसे होममेड सेरेलेक खिलाती हूँ। अगर सेरेलेक नहीं है तो मैं कभी कभी उसे खिचड़ी भी खिला देती हूँ या फिर नॉर्मल दलिया बना दिया, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं होममेड सेरेलेक ही खिलाती हूँ, क्योंकि इसमें सारे प्रोटीन उसको मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें पोहा है, चावल है, मूंग की दाल है और साबूदाना भी है। तो इस होममेड सेरेलेक की रेसिपी मैं आपको अपनी एक दूसरी वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू गाइज।